आज मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो एक ही मन में सवाल आता है मेरा, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में। अब वीडियो तो वायरल हो नहीं रही है। अब हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलकाम। आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मेरा गेटअप आपको चेंज लग रहा है ना, ये देखिए इतनी गर्मी में मैंने इतना गर्म पहन रखा है। तो आज मैं शपथ लेती हूँ कि मैं दौड़ने जाऊंगी, रोज दौड़ने जाऊंगी, क्योंकि मैं मोटी बहुत ज्यादा हो गई हूँ। तो फिटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिटनेस नहीं होती है ना तो आलसी हो लोग होते हैं, जैसे कि मैं आलसी हो गई हूँ। तो मैं अब फिट हो जाऊंगी और आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैंने अभी जूते नहीं पहने, जूते पहनते हैं। ये रहे गोल्ड स्टार जूते, जो कि पापा जी के हैं जूते। अब पापा जी तो पहनते नहीं है, कहीं जाते नहीं है बाहर, तो अब मेरे काम आएंगे रनिंग के। वहां पर लगा रहे हैं झाड़ू। वो हमारे देवर जी बोल रहे हैं अगर पैसे आएंगे तो इस बार मुझे देना, इनका पेट बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है ना दिखाने के लिए। कल जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए इनका पेट चेक कराने कि क्या है उसमें, पेट हमेशा दर्द होता रहता है। ठीक है, हमारी एक नना नानी लग गई, पता नहीं क्या क्या बरबराते आती है, अपनी उर्दू भाषा में कुछ भी बोलती रहती है। कहाँ भागे, कहाँ पर आए हो भाभी के पास? पर अच्छे से बोलना अभी सीखा नहीं है, इतना ही जानते हैं पांच ना। ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है रनिंग करने। ओके बाय बाय, पैदल चलते हैं ना। बाइक से जाने के लिए कह रहे हैं ना, साइकिल से जाने के लिए कह रहे हैं, कह रहे पैदल वॉक करो, थोड़ा वजन इसमें भी कम होगा। जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो एक ही मन में सवाल आता है मेरा कि ये रोड कब कंप्लीट होगी। कोई पता नहीं है। और यहाँ पर अब ऊंचा हो गया इस साइड, तो पानी यहाँ पर रुक जाता है। अब पता नहीं पानी भी कब सूखेगा और पता नहीं कब रोड का निर्माण होगा। मुझे पता नहीं कब से हो रहा है, घर बनने से और पहले से हो रहा था, लेकिन हमारा घर कंप्लीट हो गया लेकिन रोड कंप्लीट नहीं हुई। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार बारिश हो जा रही है, जितना भी मटेरियल पड़ता है वो पानी से धुल जाता है। अब हम अपना गाँव पार करके अब पहुँचे हम आनंदपुर में। मैं ये सोच रही हूँ अगर फील्ड में पानी होगा तो मैं नहीं दौड़ सकूँगी, और फील्ड में पानी नहीं होगा तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, हल्का सा, चाहे 500 ग्राम हो, जितना भी हो। तो अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। अब हम आ गए हैं कच्चे रास्ते पर, जो कि ये जंगल दिख रहा है ये पूरा कच्चा रास्ता है, और इस कच्चे रास्ते में हमें कीचड़ भी मिल सकता है। मैं तो आते आते ही थक गई, इतना ज़्यादा वॉक हो गया मेरा। यहाँ पर देखिए गाय और बैल यहाँ पर चुग रहे हैं, और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया क्योंकि ये नीचा है ना इस साइड में। कैसी लग रही हूँ? अब वीडियो तो वायरल हो नहीं रही है। अब लेती हूँ दो, एक बकरा लेती हूँ, एक बकरी लेती हूँ, यही काम करना पड़ेगा। चलो 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 चलो, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फील्ड में, और फील्ड में मैं सोच रही थी कीचड़ कीचड़ होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल हरा भरा, बड़ा मस्त है यहाँ पर। और आनंदपुर के बीडीसी ने बनवाया है ये, बहुत बढ़िया कर रखा है अपने ट्रैक्टर से खुद। ये देखिए, रोज दौड़ूंगी मैं रोज। और यहाँ की घास बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए भी है, ये देखिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर बीम वाला है, ऐसे ऐसे लगाने वाला सब। ये बहुत बड़ा फील्ड है, और ये जो लगा रखे हैं ये फुटबॉल के लिए है, जो कि पैर से गोल करने के लिए। तो आप फुटबॉल में हम तो शामिल हो नहीं सकते, लेकिन अपनी फिटनेस तो बना ही सकते हैं। और पता नहीं चक्कर कितने का होगा, एक चक्कर तो मार ही दूंगी मैं, बोलते बोलते थक गई। मुझे बातें करते करते इतनी गर्मी लगने लगी है कि दौड़ूंगी तो मेरा क्या हाल होगा, लेकिन अब मैं रनिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कितने चक्कर लगा पाती हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं, देखना मेरी दौड़ कितनी हल्की हल्की होगी, कितनी तेज होगी। अगर कम होगी तो मैं अपने आप से स्पीड बढ़ा लूंगी। चलो फिर स्टार्ट करती हूँ, देखो आप।
और राउंड दौड़ना है। कितनी देर में मेरा चक्कर कंप्लीट हुआ सच बताना? बहुत लेट। लेट मतलब कितना होता है? पांच मिनट। तो एक राउंड से क्या होता है? एक राउंड से वजन कम होने वाला है। अरे एक दिन में थोड़ी ना वेट हो जाएगा, पूरा टाइम लगता है। जॉगिंग करने के लिए आ गए यहाँ पर। लो वरना फट जाए आपकी। ओ भैया पसीना देख रहे हैं आप? ये देखो मेरी चर्बी निकल रही है, चर्बी। आज के लिए बस इतना ही, एक चक्कर दौड़ दौड़ लिया, एक्सरसाइज कर ली और उसमें लटक लिया मैंने। तो यहाँ पर जब गुड्डी की बाढ़ आती है ना तो ये पूरा पानी पानी रहता है इस फील्ड में। वो भैया है, भैया ने मौसरा चक्कर लग रहा है, मेरी तरह मोटे हैं फिर भी। आज का पहला दिन था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जूते दे रही हूँ समीर को, क्योंकि मुझे ना बंद जैसा लग रहा था और उल्टी जैसी आ रही मुझे। तो ये फील्ड तो आपने देख लिया, इसके बाद एक और फील्ड है जहाँ पर लड़के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे तो नहीं जाएंगे। मेरी पहला दिन आज का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ये मेरे लिए। अब निकलते हैं घर, क्योंकि घर जाकर मुझे खाना पीना बनाना है। जाते वक्त भी हमें कशिश मिली और आते वक्त भी कशिश नहा धो लिया है। बजा के दिखा दो एक बार। और घर पहुंच चुके हैं और मैक्स बोल रहा है कि मुझे तो घुमाने लेके नहीं गए, वो भी कह रहा है जाने के लिए। अब कौन घुमा के लेके आए? अब या समीर जाएंगे या फिर मम्मी जाएंगी। समीर लेके गए घुमाने के लिए, क्योंकि वो भी कहता है ना मुझे सुबह शाम घुमाया करो। पानी पियोगे? आ करो। नीले वाले। कितना ठंडा था। अच्छे अच्छे कपड़ा कौन लेगो? गंदे गंदे कपड़ा कौन लेगो? ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, हमारे घर के इतिहास में, कि पापा जी भैंस को खोल के लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये ना जरिया है बांधे रखने का, कि क्या कहते हैं, दोनों काम में आए ना। अगर मम्मी कहीं चली जाए अपनी लड़की के घर या फिर अपनी ननद के घर, तो पापा जी अब बांध सकते हैं। खाना पीना बनाकर नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और किस लिए? सोने के लिए। चलो बाहर देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। देखो कैसे पड़े हुए सबके सब, टीवी देख रहे हैं। कौन से पिक्चर रहे है? देखने वाले। कल के कमेंट में क्या आया था पता है? अब ज्यादा गुस्सा ना दिलाते हुए उन्हें, फिर वही काम कर देंगे तो फिर ये रूम बताइए कैसा हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, मैं यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फील्ड में पानी होगा या नहीं होगा? होगा तो मेरे लिए फायदेमंद होगा।